भाई ये ताले तो मैं देख ही रहा था, मन्नतों वाले, ये तो किसी ने नेशनल बैंक का ताला लगा दिया। इतनी बड़ी मन्नत, भाई ठेले वाला भी कार्ड ले रहा है। फिर आप बोलते हो जुनैद भाई टोपियां करा रहे हैं। नहीं हिलेंगे भाई, वो देखो नहीं हिलेंगे। देख कहाँ खड़ा है। अम्मा किधर जा रही हो? हाँ ये लिफ्ट है, अंडरग्राउंड ट्रेन पे जाएगी। जमीन के नीचे ट्रेन चल रही है, ऊपर ट्राम चल रही है। हमार तो खड्डा खोदो गटर बाहर आ जाता है। यार मोहब्बत देखनी है तो ये बाबे की देखो, कुत्ते को प्राइम में लाया हुआ है, उसकी बैठ बैठ के तस्वीरें भी खींच रहा है। औलाद जैसा प्यार, हमारी कुत्तों वाली भी होती है घरों में। यार लोग कहते हैं आप खुद तो सब कुछ करते हो, दोस्तों के लिए क्या करते हो। देखो लैट लिखवा दिया यार। और बोलो। हाँ भाई क्या हाल है। वॉर्सो से वॉकिंग टेल्स की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी अभी पहुंचा हूँ बस पकड़ के प्राग से। तकरीबन वैसे अगर सीधी बस आती 6.5 घंटे का सफर था, लेकिन चूंकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप पे रुकती रही तो सफर जो है 7 घंटे का हो गया। 11 बजे पहुंचा और यहाँ बारिश हुई भी है। और मैंने अभी वेदर में देखा, रोज बारिश है। मतलब मैं यहाँ 4 दिन हूँ तो चारों दिन बारिश है। और ठंड है, ठंड है यार। इनकी तो समर भी ऐसी ही है भाई। वो देखो नेटफ्लिक्स की बिल्डिंग, ये मैरियट है और मेरा होटल वो सामने नोवोटेल। अगेन सिटी सेंटर में ही लिया। देखो नीचे उतरा, सामने गया, कबाब मिल गए, डोनर शोनर खा लिया। यार ये डोनर का सीन अच्छा है। ये इनकी वो रशियंस ने गिफ्ट की थी, जब रशियंस ने कैप्चर कर लिया था वॉर के बाद इनको गिफ्ट की थी। ये हमें बोल्ट वाले भाई ने बताया, मतलब बोल्ट यहाँ की उबर। सो लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। काफी मैंने मजे मजे के टूर्स बुक किए हुए। कल सुबह मेरा एक है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो है अंडरकवर सिटी टूर। सो सिटी टूर तो होते ही है हर जगह कि भाई ये फलानी बिल्डिंग है, ये है, लेकिन ये होगा अंडरकवर। अंडरकवर में ये होगा कि हमें इस तरह टूर कराया जाएगा कि जैसे हम कोई 007 एजेंट है। यानी हमें एक जगह सुबह बुलाया है, वहाँ पे हमें हैट वाला बंदा ढूंढना है, वो हमें ब्रीफ केस देगा, वो फिर वो क्लूज मिलते रहेंगे। और मतलब सीन्स लाइक अ फन एक्टिविटी। अभी ऑलरेडी 1:15 हो रहा है क्योंकि 11:30 बजे तो मैं होटल पहुंचा हूँ। बस खाना खाया, अभी जाके सीधा सोता हूँ और फिर सुबह कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो फिर आपसे मुलाकात होती है सुबह और देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। वो सब हाँ जी, आई एम एट द टाउन सेंटर। और जैसे मैंने कल बताया था कि अंडरकवर सिटी गेम्स आज खेलने, तो यहाँ पे एक अंडरकवर आएगा नियर द स्टेप्स। उन्होंने कहा था ये स्टेप्स तो ये रहे। और हमें ढूंढना है एक बंदा जिसने टोपी पहनी हुई होगी और हाथ में ब्रीफ केस होगा। हाँ जी, मैन विद द ब्रीफ केस, ये मुझे सामने लग रहा है। आई डोंट नो, जाके ज़रा पूछते हैं। हेलो, आर यू फॉर द टूर? No, I booked a tour. This is the man with the briefcase. It's my briefcase. Oh, it's your briefcase. Sorry, this is a tour. It's in... my all documentation here. Okay. Any problem? No. So you are from Interpol? No. So where are you? Where are you from? I'm a tourist. And which subject you want to be asked from me? And why you ask from me such a question? Because I booked a tour. It said at the appointed time, look for a suspicious character with an undercover City Games briefcase. Near the steps. So near the steps. It's my computer and it's my briefcase. Can you send me? All right. हाँ जी, पोलैंड आते ही भंड होने लगा था। वो अंकल ऑफेंड हो गए थे, इंडियन थे मैं समझ गया था, इसलिए मैंने भी बोल दिया मैं भी इंडिया से हूँ। तभी ठंडे हुए, मैं पाकिस्तान बोलता तो उनकी और हट जानी थी। एक ब्रीफ केस वाला वो भी घूम रहा है यार, अब मैं इस तरह नहीं जा रहा सबके पास भाई। वो तो मिल के ही नहीं दे रहा। अंडर कवर गेम इतना अंडर कवर हो गया कि अब मिल ही नहीं रहा। अब ये गली दिखा रहा है मैप में, यहाँ तो कोई स्टेप्स नहीं है। उसने कहा था स्टेप्स है, ये कुछ ज्यादा अंडर कवर हो गया भाई, हमें तो ही समझ नहीं आया भाई। वन लास्ट ट्राई। उस जो एड्रेस है उसके पास स्टेप्स यही है सामने, जहाँ वो इंडियन अंकल मिले। वो कह रहे हैं वो तो चढ़ गए मुझ पे, तो पुलिस बुलाने लगे थे। मिशन का पहला स्टेप ही फेल कर दिया ना, 15 मिनट लेट हूँ। लेट क्या, मैं तो आया हूँ टाइम से, मुझे मिल ही नहीं रहा बंदा। ये इनका 23 मार्च, अच्छा यूक्रेन के सपोर्ट में बजा रहे हैं। अबे भी हमारी यहाँ बजी हुई है भाई, सबके बैग घूरने पड़ रहे हैं। अगला भी बोल रहा है क्यों घूरी मंगा रहा है मैं। चलो वॉकिंग टेल की वॉकिंग टेल बन रही है, लेकिन ठीक है। अरे अम्मा माफ कर, इधर भी बहन यहाँ यही चल रहा है। अम्मा माफ कर, उसको मैं अम्मा माफ कर बोल रहा हूँ, बताओ। चलो भाई फिर अब क्या करें, खली बल्ली अब नाश्ता करते हैं। गए ये $20 को, $20 जाने तो नहीं दूंगा भाई, मैं भी आप लोगों का पाकिस्तानी भाई हूँ, ऐसी की तैसी। हाँ जी, वो अंडर कवर वालों की मैंने रिफंड डाला तो आया कि भाई वो बंदे का एक्सीडेंट, टिपिकल पाकिस्तानी टोपी, एक्सीडेंट हो गया तो आज नहीं आया तो रिफंड कर रहे हैं। बाय द वे ये मैं और लैट हैं 40 साल बाद।
सेल्फी ले रहे, सो क्यूट मैन। गली की वाइब चेक करें यार, बीबियां बूढ़ी बूढ़ी आंटियां जो है नाश्ते कर रही हैं कोने पे बैठ के। यार कभी कराची के लाहौर के मैग्नेट्स देखें, बनते ही नहीं है। अब कोई आएगा तो खरीदेगा ना, कसम से यार अफसोस होता है। ये टूरिस्ट का ग्रुप आया हुआ है, ये लाल शर्ट है, ये एक जैसी शर्टें पहन के निशानी बना के रखते हैं। ये बच्चों का किंडरगार्टन का ट्रूप ट्रिप आया हुआ है, टीचर लेके घूम रही है। ये हिस्ट्री म्यूजियम है, कितनी अच्छी नशोनुमा होगी बच्चों की। वो अकॉर्डियन बजा रहा है मेरा भाई। तो अभी 3 बजे मेरा एक और ट्रिप है, यू कैन रेंट अ फियाट और खुद ही चला के जो है ना आप टूर कर सकते हैं। तो अभी उसमें 2.5 घंटे हैं, तब तक हम जरा आवारागर्दी करेंगे। पैदल आवारागर्दी का फायदा ये है कि मैं वहाँ बाहर रोड से जा रहा था, अंदर झांका तो ये नजर आया। आई लव डिस्कवरिंग सच प्लेसेस। थिंक वी आर ऑन अ हिल टॉप, वो सामने एक झील नजर आ रही है मुझे। अरे वाह वाह वाह, बेंच भी मिल गई यार। ऐसे मौकों पे ना आई रियली मिस स्मोकिंग, ऑब्वियसली नॉट इंडोर्सिंग, इट्स अ सिली हैबिट, बट एट टाइम्स आई रियली डू मिस। ओ ताले, प्यार वाले ताले। ओहो, ये सही ताले वालों ने ना अपनी मार्केटिंग करवाई है। फ्रैंकफर्ट में जो ब्रिज है जिसमें लगते हैं, उसका वजन इतना ज्यादा हैवी हो जाता है तालों से कि वो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उतारने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं ताले। सो दैट्स अ फुटबॉल स्टेडियम, वो एक चर्च है, सामने वो एक लेक नजर आ रही है। वो लेक पे बोट राइड्स चल रही है, गॉट टू गो देयर मैन, आई शुड एंड आई मस्ट गो देयर। भाई ये ताले तो मैं देख ही रहा था, मन्नतों वाले, ये तो किसी ने नेशनल बैंक का ताला लगा दिया। अबे इतनी बड़ी मन्नत माननी है किसी ने? सही टॉक्सिक कपल होगा ये, बहुत ज्यादा प्यार ही करते, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, नशे काटने वाले। हाँ भाई, मैं उस पास से नीचे जा रहा था, मेरी नजर पड़ी इधर भी ऊपर हिली टाइप का एरिया है, ऊपर जाके देखते हैं क्या व्यूज है। जाना आज ही आई एम एट द टाउन स्क्वायर, यहाँ परफॉर्मेंस चल रही है और वो शूट हो रहा है साथ में। लुक्स लाइक अ बॉलीवुड थिंग बिकॉज वो इंडियन क्रू है या फिर वो टूरिस्ट है मेरी तरह। ये इनकी पेंट में क्या घुस गया है, लुक्स सो फनी। Look at this guy. अच्छा बाय द वे, ये आपकी नॉलेज के लिए, ये जितने भी स्ट्रीट बस्कर या स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं ना, ये ऐसी नहीं कोई भी आके खड़ा हो जाए और अपनी रेडी लगा ले। ये गवर्नमेंट से लाइसेंस होते हैं कि जी वो पहले आपका बाकायदा टेस्ट किया जाता है कि आपको बजाना आता है, आपको परफॉर्मेंस आती है, आप स्टैंड अप कर सकते हो या मैजिक ट्रिक कर सकते हो, एंड देन फिर आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू आर। इसको भी ये घंटे आधे घंटे का टाइम स्लॉट यहाँ मिला होगा, फिर ये अपनी रेडी कहीं और ले जाएगा ताकि डिफरेंट परफॉर्मर्स को मौका मिलता रहे, कोई एक बंदा एक जगह घेर ना ले, और ये कि कोई भी गिटार उठा के ना आ जाए। यू नो अगर इस तरह खुला हो तो कोई भी गिटार लेके बैठ जाए, टोपी रखे, लाजी पकड़ाए मुझे। तो ये गवर्नमेंट से लाइसेंस शुदा होते हैं। तो क्या हम ये नहीं कर सकते जैसे गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद, इस तरह की चीजें हम अपने टाउन स्क्वायर्स में खड़ी कर दें, जो अच्छा परफॉर्मर है अपना गाना बजा ले, कोई ये कर ले वो कर ले, नात पढ़ ले, जिसका जो टैलेंट है वो करे, और इट्स अ वेरी गुड वे टू अर्न अ वेज। वो किसी का के हाथ भी नहीं फैला रहा, अपना आर्ट का आर्ट कर रहा है, पैसे के पैसे कमा रहा है। तो ये चीजें सोचे जरा, अपने शहरों में भी इनकल्केट करने की बहुत जरूरत है। यार ये जरा दुकान चेक करें, कितनी प्यारी सी दुकान सजाई हुई है इसने, छोटी सी लड़की बैठी है कॉलेज टाइप की, आइस टी वगैरह कॉफ़ी शॉफी लगा के। हमें भी अपने मुल्क में ख़वातीन के लिए ऐसे मौके पैदा करने चाहिए ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमा सके। 51% हमने घर बिठाया हुआ है, शर्म की खातिर हया की खातिर। अभी देखो सर पे चढ़ी हुई है ना इन्फ्लेशन। खैर अब क्या बंदा बातें करे यार, छोड़े छोड़े छोड़े, काम की बातों से क्या करना भाई। अबे ये तो उड़ी तेरी, तो ये तो जीती जागती औरत है, ये तो गोल्डन मैन की बात कर रहे थे तो ग्रे लेडी आ गई। उड़े भाई ये कौन सा है, कमेंट में बताएं कौन सी ब्रीड है ये। वो उससे याद आया, वो पग होता है ना पग, मेरा बड़े अच्छे दोस्त है नितिन मेरानी, इंडियन कॉमिक है, वो मीम्स ही बनाते थे किसी ज़माने में हम मिलके, कभी वो कभी मैं, तो उन्होंने पग पग की तस्वीर ली और उसके पैरों पे घुंघरू बांध के लिख दिया कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे। डैड जोक्स, ये देखो बच्चे, अबे समर हॉलीडेज है ना, देखो बच्चों को लाए हुए यहाँ से, देखो टीचर सबको आइसक्रीम दिला रही है, बच्चे आराम से बैठ के आइसक्रीम भी खा रहे हैं, हिस्ट्री भी सीख रहे हैं, सो मच टू लर्न। सफाइयाँ देख लो, ये भाई यूक्रेन वाले दिल गोस्पोडा। अच्छा हलाल मुझे इतना नज़र नहीं आया, वैसे है ऑफ कोर्स डोनर शोनर दिखे,
मगर इतने ऑप्शन नजर नहीं आ रहे जितने आई वुड से प्राग या एम्स्टर्डम में तो खैर बहुत ज्यादा थे, उतने नजर नहीं आ रहे, बट ये कि मिल जाते हैं, गूगल करें तो मिल जाएंगे। देखिए छोटी छोटी गलियां इस्तेमाल की हुई हैं, कैफे कल्चर जो है ना ख़त्म है भाई यहाँ पे। अरे शोपिन का कॉन्सर्ट, शोपिन एक बड़े अच्छे पियानिस्ट हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली वो तो अब नहीं है, 200 साल हो गए उनको तो, मगर ये कि कवर उनके परफॉर्मेंसेस होती हैं, जैसे मोजार्ट की वियना में होती हैं। अब मैंने मोजार्ट की वियना में देखी है, दैट वाज फैबुलस। ये क्या बिक रहा है? अरे मैं समझा वो आड़ू है, वो आड़ू और वो नहीं लग रहे यार, वो क्या होता है वो जो धागे में पूरा बंधा हुआ होता है, अंजीर, अंजीर मैं समझा अंजीर बेच रहे हैं। अच्छा भाई गर्मी है, लीमू पानी वाला भाई मिला तो लीमू पानी बनवा रहे हैं, वही अपने वाला स्टाइल है। एक भाई ठेले वाला भी कार्ड ले रहे हैं, फिर आप बोलते हो जुनैद भाई टोपियां करा रहे हैं। ओके ये देखो भाई बीबियाँ घूमने टूरने निकली हुई हैं, सेहतमंद। अच्छा यहाँ पे भी ये लाइम वाली बाइक्स अवेलेबल होती है, क्यूआर कोड से ऐप से कनेक्ट करें अपना कार्ड, क्यूआर कोड से वो अनलॉक हो जाएगी, आपका मीटर चालू हो जाएगा, जितनी चलानी है चलाएं, उसके बाद एंड में मीटर बंद हो जाएगा। नहीं हिलेंगे भाई, वो देखो नहीं हिलेंगे, देख कहाँ खड़ा है, घुटने पे भी आके मर देना भाई, चल बीबी आगे निकल, अम्मा किधर जा रही हो। इज्जत इज्जत, पैदल वाले की इज्जत, हमारे मुल्क में इंडिया पाकिस्तान में गाड़ी वाले की इज्जत, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा इज्जत। भाई खली बल्ली ये देखें भाई, ट्राम स्टेशन है, ट्राम रुकी हुई है, लोग स्टेशन से आ रहे हैं, बिजली से चल रही है लबालब, उधर से दूसरी आ रही है, निज़ाम है भाई। हाँ ये लिफ्ट है, अंडरग्राउंड ट्रेन पे जाएगी, ज़मीन के नीचे ट्रेन चल रही है, ऊपर ट्राम चल रही है, दिखाओ फिर भी गालियाँ सुनो। हमार तो खड्डा खोदो गटर बाहर आ जाता है, थैलियां बाहर, अबे तो थैली से परेशान हूं मैं, जितना थैली का मैं इस्तेमाल करते थोड़ा और करते, आबादी तो कम होती, वो थैलियां नहीं कर रहे इस्तेमाल। हाँ जी जैसा मैंने कहा मैंने वो चर्च की साइड जाना था, मुझे तो रिवर दिख गया, अब तो यहाँ तो बोटिंग का मजा ही अलग है, मौसम भी अच्छा है, वाह रे वाह यार मोहब्बत देखनी है तो ये बाबे की देखो, कुत्ते को प्राइम में लाया हुआ है, उसकी बैठ बैठ के तस्वीरें भी खींच रहा है, औलाद जैसा प्यार, हमारी कुत्तों वाली बीवी होती है घरों में। मेरा नेक्स्ट टूर है फियाट गाड़ी में घूमने का, और ये पैलेस ऑफ कल्चर है सामने, इसके बाहर मीटिंग पॉइंट है, ट्रिप एडवाइज़र से लेता हूँ मैं सारी चीज़ें, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे आपका गाइड खड़ा होगा, एक्सेप्ट जो आज सुबह हुआ वो तो खैर एक रेयर केस था, बस यहाँ खड़ा होना है, वो टोपी पहन के झंडा लेके खड़े होते हैं। फियाट्स नज़र नहीं आ रही मुझे, वो खड़ी फियाट है, साफ सुथरा ठंडी हवा, कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर चेक करें आप, थिएटर स्टूडियो वो सामने है, सो एक फियाट भी आ गई भाई। अब जैसे ये टूर में भी ले रहा हूँ, यही चीज़ अगर हम चिंची और रिक्शे खड़े कर दें सजा के सज धज के, और गोरों को बोलें जी इसमें खुद ही चला के घूमें, क्या क्यों नहीं चलेगा, दबा के चलेगा भाई, हम भी बेच सकते हैं अपना मंजन, क्यों नहीं बेच सकते। ये भाई मेरा ही डुप्लीकेट आ गया, अभी तो बैटरी डलेगी इसमें। अच्छा चूंकि मुझे स्टिक शिफ्ट नहीं आती तो ये टूर गाइड बेसिकली होता ही है कि आप खुद चलाते हो, टूर गाइड शायद बैठ के आपको बताते हैं, बट बिकॉज मुझे नहीं आती तो ही इज़ गोना ड्राइव और मैं आराम से बैठ के व्लॉगिंग श्लॉगिंग कर लूँगा। अरे भैया दादा पू ज़्यादा भाई, and they died, and this is a symbol of unknown child soldier who was fighting in the Warsaw uprising, and many of them were bhai guard ne bataya, guide ne bataya ki Warsaw jo hai actually is called Warszawa, aur Wars jo hai ek fisherman tha aur Shawa usne ek mermaid dekhi thi jo ki ye rahi aur usko usse pyar ho gaya tha to uske naam unke naam pe Warszawa, aur ye sab sirf 40 saal purana hai kyunki 95% of this was destroyed in the World War II. So, is this the Shawa? This is the mermaid. This is the mermaid, this yeah. This is the mermaid, the symbol of Warsaw. This is the mermaid which was located here in the middle of the old town in 1982. Okay. We have few mermaids all over Warsaw, but this one is the appropriate one. Oh, interesting. Bhai, purane zamane mein jitni chaudi building, utna zyada tax to is bande ne itni si building bana di. भाई ये जूश घेटो नेबरहुड था और ये ओरिजिनल वॉल है जो कि वर्ल्ड वॉर टू में थी, ज़्यादा ऊंची नहीं है, फलांग के भी जा सकते थे लेकिन चूंकि देवर इजीली आइडेंटिफाइबल एंड एनी पोलिश हेल्पिंग अ ज्यू वुड बी एक्सटर्मिनेटेड, तो ये घेटो वॉल है, इस नेबरहुड में रखा गया था, 100,000 बीमारियों से और भूख से मर गए थे यहीं पर, और फिर 300,000 जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए गए थे, वो मॉन्यूमेंट में दिखाता हूँ। ये जो है सिम्बोलिज्म है उस कैरेज की
कि यहाँ से कैरी किया जाता था और 3 लाख यहूदियों को यहाँ से लेके सीधा ऑशविट्ज़ लेके गए। ये ऊपर दरख्त हैं, उजड़ा हुआ जंगल है, दरख्त सिंबलाइज करता है ज्यूइश ट्रेडिशन में लाइफ को। और वो जो दरख्त है, ये मॉन्यूमेंट वैसे 1988 में बना है, तो ये सिंबलाइज करता है कि दे विल नेवर बी फॉलन अगेन। ये नाम लिखें और हर नाम के साथ 1000 मल्टीप्लाई करें, उतने लोग यहाँ से हैं। हाँ जी, अभी मैं जा रहा हूँ शूटिंग रेंज पे, थोड़ी गोलियाँ शोलियाँ चलाने। अखियों से गोलियाँ तो जिंदगी में बहुत चलाई, थोड़ा पिस्तौल से चलाते हैं। लेकिन व्हाट आई डिडंट रियलाइज, आई एम लिटरली आउटसाइड वॉर्सो, मैं किसी गांव में हूँ और यहाँ से भी 600 मीटर जाना है। टूर गाइड ने जो निशानी दी है कि जी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने आना है, कब्रिस्तान के आगे जो है ना, ये गोलियाँ पता नहीं रूहों को चलानी है, हमने किसको चलानी है। सारे मोहल्ले के कुत्ते जाग गए मेरे आने से। वैसे भाई तो ये लिटरली गांव है, फसलें वसलें पीछे देखी अभी मैंने। भाई मैं आपको कहता था ना, यहाँ फसलें ये चेक करें, ताहद निगाह जा रही है। हाँ जी, तो शूटिंग रेंज आ गया हूँ मैं, AR-15 चलानी और क्लॉक 17। ये भाई आपके भाई के सारे शॉट्स AR-15 से। भाई जिंदगी में पहली बार चलाई हेडशॉट और सारे। हाँ जी, तो ये थी शूटिंग रेंज की ट्रिप और सामने कब्रिस्तान है, तो कहीं अगर आपने मसले किए मेरे साथ तो ये आबाद कर दिया जाएगा मजीद। ये मेरा एरिया है और एरिया में इंटरेस्ट लेने का नहीं। हाँ जी, तो सेकंड लास्ट डे इन वॉर्सो और ये गूगल का ऑफिस था जहाँ मैंने शफीका, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त डायनामिक किस्म की बच्ची है, उसका मैंने अभी इंटरव्यू किया, शायद आप देख चुके हों अगर रिलीज हो गया हो। और अब मैं यहाँ से सीधा, ये पूरा आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट है, डेलॉयट का ऑफिस, वो सिटी बैंक का ऑफिस, वो सैमसंग का, वावे का, पै खली वली भाई। अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम ऑफ कॉस्मोस और वहाँ जाता हूँ और वहाँ देखते हैं क्या सीन है। तो आज का दिन सो फार इज गोइंग ग्रेट और क्या ऑफिस था गूगल का यार, मज़ा आ गया। हाँ जी, सो आई एम एट द कॉस्मोस म्यूजियम इन वॉर्सो, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर। लेकिन अगर हम जब इस तरफ जाते हैं, इट बिकम्स केओस। Hurricane is vibrated by high frequency sound waves and became a mist that is sucked into the upper opening while the air is blocked. Interesting. ये तो वही वाला रूम आ गया, ग्रेविटी चेक कर लेता है आपकी, बल्कि हिला देता है ग्रेविटी इनफैक्ट। बिकॉज वो जो गैलेक्सी है, ओ इज इट मूविंग, ये मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा, इट्स मूविंग। ओके भाई, ये इनविजिबिलिटी पावर मिलेगी इस रूम में, गो इनसाइड एंड हैव अ सीट ऑन द वाइट चेयर। सो ये हम जैसे आ गए, अभी वाइट चेयर पर जैसे ही हम बैठेंगे, व्हाट द हेल, मैं कहाँ गया मैं, आई थिंक इट्स अ ग्लास और वहाँ पे एक और है, ये मैं वापस आ गया। आई थिंक ये एग्जैक्टली वहाँ रेप्लिका रखा हुआ है और आप जैसे ही बैठते हो बल्ब बंद होता है, आपका रिफ्लेक्शन चला जाता है। अब हम आते हैं स्पेस रूम में। ये भाई फुल टिकटॉक है, इतने सारे गंजी स्वेटर आ गए। अगर आपने अपनी नहुसत मल्टीप्लाई करनी हो तो यहाँ पे आप झांक सकते हैं, बहुत सारे आप आ जाएंगे। पता नहीं क्या है, अगर टकरा ना जाऊँ किसी से। ओह दिस इज सो कूल, सो थेरेप्यूटिक, इसको देख के बंदा सो जाए। फेयर, अच्छा ये स्फेयर ऑफ गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो का स्फेयर है। ओह नो वंडर इट्स सो सैटिस्फाइंग। जहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ ये दूर हो रहा है, लुक एट दिस। ये कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन रखे हैं, अब जैसे आप ये वाला देखें, ये तीनों एक ही साइज है, नहीं यकीन आ रहा। ये देखें, ये इसके ऊपर रखा, वो गायब हो गया, ये इसी तरह ये इसके ऊपर रखा, सेम साइज। ये एरो यहाँ है, शीशे में वहाँ है, ये इसमें एजेस आ रहे हैं, उसमें सर्कल आ रहा है, बीच में लाइट है, लेकिन लग रहा है लाइट मूव हो रही है। हाँ जी, तो यहाँ मैं सोचा सिनेमा भी चेक कर लूँ, सिनेमा सिटी वेस्टफील्ड लंदन में भी है, यहाँ पे भी है। भाई मैंने सोचा यार एल्विस देख लें, सिनेमा की वाइब चेक करें यार, फुल्ले ले लें पहले। हाँ भाई, ये मैं इतना बोलता रहता हूँ, ये चेक कर लो, ये बसें हैं, वो ट्राम आ रही है, उधर ट्राम अलग खड़ी है, दो ये ट्राम अलग खड़ी है, ठीक है। राउंड अवार्ड में कोई नहीं फंस रहा, सब एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं, फंसने का काम इधर पीछे होता है। फंसना क्या, बारी बारी का वेट करते ना, सारे एक साथ थोड़ी घुसते किसी के घर में, बारी बारी जाते ना,
अब जिसने सीधे हाथ मुड़ना है इधर देखें, वो सीधे हाथ वाली लेन में होगा या सीधी उस पे होगा जिसने सीधा जाना है। जिसने लेफ्ट मुड़ना है वो लेफ्ट वाली लेन में है। अब तो माशाल्लाह सब ट्रैवल भी करते हैं, टर्की मलेशिया जाते रहते हैं, तो भाई ये चीजें क्यों नहीं देखते आप लोग? मुझे बोलते हो आप बावले हो, पागल हो, पता नहीं क्या बातें करते हो। अबे भाई ये देखो, मैं खड़ा यही देख रहा हूँ, सुबह से लग के बारिश हो रही है, एंजॉय कर सकता हूँ, मैं खड़ा यही देख रहा हूँ, मेरा तो भाई यही पॉइंट है। देखो कितना निजाम कितना अच्छा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कोई तंग नहीं हो रहा। किस्मत भाई गलत जगह पैदा हुआ बस।